ये सरकार नहीं मनोहर, ईमानदारी का दावा करने वाली घोटालेबाज सरकार, प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाकर जमकर हुई लूट। बड़ी लंबी है खट्टर दुष्यंत सरकार के घोटालों की लिस्ट। लॉकडाउन की आड़ में हुए सबसे बड़े घोटाले, न खाऊंगा न खाने दूंगा का दावा करके सत्ता की कुर्सी हासिल करने वाली बीजेपी सरकार में एक के बाद एक जमकर घोटाले हुए। प्रदेश की गरीब जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग हर तबके के साथ घोटाले सामने आए। अब इस सरकार का एक और नया घोटाला सामने आया है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान संपत्तियों की रजिस्ट्री में करोड़ों का घोटाला हो गया। सरकार ने 17 अगस्त तक सभी तहसीलों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने और राजस्व जुटाने के लिए रजिस्ट्रियां खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन लॉकडाउन इन घोटालेबाजों के लिए कारगर साबित हुआ। हरियाणा में 22 अप्रैल से रजिस्ट्रियां आरंभ की गई। मार्च में लॉकडाउन के कारण सरकार को राजस्व का मोटा नुकसान हुआ। हालांकि जब से रजिस्ट्री शुरू हुई तब से राजस्व में करीब 400 से 500 करोड़ रुपए की आय भी आई, मगर सरकार को शिकायतें मिले कि अधिकारियों के साथ मिलकर मोटा गोलमाल किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा शिकायतें गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, करनाल, झज्जर और सोनीपत जिलों की हैं। शिकायतों में सरकार को बताया गया कि अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियां काट दी गई और फिर इन संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई। इस खेल में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब खट्टर दुष्यंत सरकार में कोई घोटाला हुआ हो। इससे पहले भी चावल खरीद घोटाला, शराब घोटाला, सरसों खरीद घोटाला और धान खरीद घोटाला हो चुका है। तो वहीं खट्टर सरकार पार्ट वन के दौरान भी कई घोटाले हुए। हरियाणा में सत्ता पर काबिज होते ही ईमानदारी का दावा करने वाली इस सरकार की नाक के तले भ्रष्टाचारी और घोटाले होने लगे। इनमें यमुना घोटाला, अरावली खनन घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, HSSC भर्ती घोटाला, HPSC भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, HTET घोटाला, दवा खरीद घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, बिजली चोरी घोटाला, गीता जयंती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, राशन घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला शामिल हैं। ये वही मुद्दे हैं जिन पर खट्टर सरकार पार्ट वन के दौरान दुष्यंत चौटाला ने जमकर सवाल उठाए थे। इन घोटालों के मुद्दे पर ही दुष्यंत ने जनता का भरोसा जीता था, लेकिन शायद सत्ता हासिल करने की होड़ में दुष्यंत सब कुछ भूल गए और जनता के विश्वास को रौंदते हुए मनोहर सरकार के साथ हाथ मिला लिया। सत्ता पर काबिज होते ही अब दुष्यंत इन घोटालों पर बात भी नहीं करते और अब तो खुद उनके ही महकमों में जमकर धांधली हो रही है। हल्ला बोल हरियाणा।